नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। दिवाली के ठीक दो दिन पहले धनतेरस का दिन होता है। धनतेरस का दिन सभी के लिए बहुत खास होता है। इस दिन कुबेर जी की पूजा होती है और गणेश जी और लक्ष्मी जी के साथ साथ इस दिन कुछ और भी नया सामान घर में लाया जाता है, जिसकी दिवाली वाले दिन पूजा की जाती है। और क्या कुछ खास होता है हम आपको बताएंगे, और साथ ही हम आपको बताते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषा आचार्य विजया जी, इनसे जानेंगे कि इस बार का जो धनतेरस है वो कितना महत्व रखता है। देखिए, धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी को कहा जाता है धनतेरस, और हर वर्ष ही ये बड़ा खास होता है। वर्षों से ये खास है क्योंकि धन्वंतरी जी है, देवताओं के जो वैद्य हैं उनको बोला जाता है धन्वंतरी। आज के दिन हुआ था उनका जन्म, तो बहुत ही खास रहता है ये दिन धनतेरस का। हमारे हिंदू जो धर्म है उसके अंदर इसकी बहुत ही महत्ता है। साथ ही साथ देखिए, कहा जाता है कि दिवाली आ रही है, हमें पूजा करनी है, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, हमें पैसा चाहिए। तो क्या है कि पैसे से पहले हमें क्या चाहिए जीवन में? पैसे से पहले हमें चाहिए एक निरोगी काया, एक अच्छा स्वास्थ्य। तो उसके लिए हम स्वास्थ्य के आयुर्वेद के जो दाता हैं, आयुर्वेद के जो पिता हैं धन्वंतरी जी, उनकी पूजा करते हैं आज के दिन। साथ ही साथ हमारे घर में ना हो कभी यमराज का प्रवेश, उसके लिए हम यमराज जी की पूजा करते हैं। चित्रगुप्त जो कि बही खाता लेके बैठे रहते हैं ना, जिनके पास होता है सारा हिसाब किताब, किसने क्या कर्म किए हैं, उनकी भी पूजा होती है आज ही के दिन। और अपना देखिए, पहले गांवों में क्या होता था, महिलाएं थक जाया करती थी, घर की सफाई हुआ करती थी, आजकल भी होती है, आप लोग भी कर ही रहे होंगे पूरी सफाइयां करके। अब वो समय आता है कि अब हमें अपने घर के लिए क्या नया लाना है, तो इसलिए भी मनाया जाता है शाम के समय पूजा करने के बाद जाया जाता है बाजार, और कुछ ऐसी चीजें ली जाती हैं जिससे कि हमारा जो धन है वो 13 गुना बढ़ जाता है। कहते हैं जो भी चीज अगर आप लेते हैं, अगर आप सोना लेते हैं तो पूरा वर्ष 13 गुना आपका सोना बढ़ जाता है। विजय जी, जिस तरह से अभी आपने बताया कि इस दिन धनवंतरी का जन्म हुआ था, मोस्टली दर्शक जो हमारे जानते हैं, और या हम अगर मोस्टली बात करें तो लोग जानते हैं कि कुबेर जी की पूजा होती है। धनवंतरी जी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, कैसे पूजा करें, क्या क्या खास चीजों का ध्यान रखें। देखिए, आप सुबह नहा धोकर धनवंतरी जी की पूजा करें, धनवंतरी जी को याद करें, अपने जो जल है उसमें जो स्नान के लिए आप आयुर्वेद की चीजें डाल के स्नान करें। आप एक कलश जो पात्र है, देखिए धनतेरस है, धनवंतरी जी की मूर्ति के आगे आप कलश जो है आज ही स्थापित कर दें, जो कि आप दिवाली के बाद भी भैया दूज तक, ये 5 दिनों का पर्व है, आज से हो जाती है इसकी शुरुआत। अब आपको अपनी सेहत की और अपने पूरे परिवार की सेहत की जो प्रार्थना है वो करनी है धन्वंतरी जी से, जो कि देवताओं के वैद्य हैं, जो कि पिता हैं आयुर्वेद के, जिसको आज भी माने जाने लगा है। आज के दिन उनकी पूजा करने के बाद शाम को की जाती है यमराज और चित्रगुप्त जी की पूजा। उनकी पूजा के लिए आप उनका चित्र अपने घर में लाएं, नहा धोकर सुबह के समय उनकी पूजा करें और उनसे मांगे एक अच्छा स्वास्थ्य। और घर में यदि कोई बीमार है तो उसके लिए भी कई चीजें होती हैं जो आज के दिन की जाती हैं। जैसे आपने बताया कि कई सारी चीजें होती है, खासकर मैं बात करूं यमराज और चित्रगुप्त जी की पूजा के बारे में आपने बताया, ये पूजा करने के लिए दर्शकों को क्या क्या खास चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जी, बहुत सुंदर सवाल आपका। यमराज जी की पूजा, देखिए आज के दिन हम यम को दीप दान करते हैं। हुआ क्या था, एक राजा थे हिम, उनकी पत्नी ने यमराज से अपने पति का जीवन दान माना था आज ही के दिन। तो आज भी यमराज को खुश किया जाता है कि हमारे घर की तरफ आपको नहीं आना है इस पूरे वर्ष भर। तो चौमुखी दीपक जो होता है वो दरवाजे पे जलाया जाता है। इसके और भी कई विधान है, जैसे शाम के समय आप अपना जो दरवाजा है उसको लीप पोत के, पहले गांवों में लीपा जाता था, अब आप पोचा लगा के उसको साफ कर सकते हैं। एक गेहूं की डेरी के ऊपर आप चौरमुखी जो दीपक है, जिसकी चार लौ होती हैं, वो आप जलाएं, सरसों के तेल का जलाएं, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जलाएं कि वो जो दीपक है उसका जो मुंह है वो दक्षिण में हो, और उसमें एक चांदी का सिक्का भी डाल दें और प्रार्थना करें कि
आप यमराज जी हमारे घर ना आइएगा, साथ ही साथ जब आप ढेरी बना रहे हैं उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रंगोली बनाया जाया करती थी पहले, आप भी आज भी बना सकते हैं। आटे में हल्दी बनाकर एक छोटी सी रंगोली आप गेहूं की ढेरी के नीचे बनाएं, उसमें आप एक लोग कहते हैं क्या डिजाइन, फूल पत्ते तो हम बनाते ही हैं रंगोली में, आप एक गधा का चित्र भी उसमें बनाएं, जैसे यमराज जी हाथ में लिया करते थे ना गधा, वो गधा आप बना सकते हैं कि उनका जो चिन्ह है वो आप रखें दाईं तरफ, और बाईं तरफ आप चित्रगुप्त जी के लिए भी एक छोटा दिया जरूर जलाएं अन्न की ढेरी के ऊपर, और चित्रगुप्त जी का जो एक जिसको बोला जाता है कि क्या है उनकी पहचान, कलम और भई का था, तो आप रंगोली से ही एक कलम भी बना सकते हैं कि ये चित्रगुप्त जी के लिए, और मन ही मन दोनों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं कि वो आपके घर की तरफ ना देखें। दर्शकों, किस तरह से हमें विजया जी ने बताया कि किस तरह से हमें पूजा करनी है और कैसे हमें सारी चीजों का ध्यान रखना है, कैसे यमराज जी की पूजा करनी है जिससे कि आपके घर में पूरे साल सुख और समृद्धि बनी रहे। बिल्कुल विजया जी, आपसे जिस तरह से जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सामान लेकर आते हैं नया बाजार से, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इस धनतेरस पे खरीदी जा सकती हैं? जी देखिए, धनतेरस का जो दिन रहता है वो खरीदारी का भी दिन रहता है। 13 गुना जो भी आपको चाहिए ना अपने जीवन में, उस चीज का आज आप खरीदारी करिए। एक तो एक सलाह मैं आपको बाद में दूंगी, पहले आप सुन लीजिए क्या क्या हमें खरीदना चाहिए। अपनी जेब अनुसार आप सोना या चांदी, धातु का बहुत महत्व है, सोना चांदी या पीतल आप जरूर लें, एक चांदी का सिक्का आप जरूर ले सकते हैं, आप एक श्री यंत्र ले सकते हैं, स्फटिक का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, इसका सबसे ज्यादा महत्व रहता है, आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ले सकते हैं आज के दिन, आप 7 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं आज के दिन, आप गोमती चक्र ले सकते हैं आज के दिन, आप शंख, अगर आपको दक्षिणावर्ती शंख कहीं मिल जाए वो ले सकते हैं, और अगर आपके मंदिर में बजाने वाला शंख नहीं है तो आप वो भी ले सकते हैं आज के दिन, आप कोई नया बर्तन ले सकते हैं आज के दिन, ऐसा बर्तन जो कि आपके काम में आए, दिवाली में काम आने वाली जो चीजें हैं वो आप सभी आज ले सकते हैं, और मेरा आप सबसे अनुरोध है ऐसी चीजें ले जो कि हमारे देश में बनी हो और अपने हाथ से बनी हो, छोटे छोटे कारीगरों को आपकी दिवाली और भी लोगों के घर की दिवाली बने, इसलिए ऐसे हाथ से बनी हुई चीजें अगर आप खरीदेंगे, दिए मिट्टी के, लक्ष्मी गणेश जी मिट्टी के, ताकि इससे अपने घर के लिए जो भी आप खरीदारी करें, और एक चीज आप अवश्य लें, थोड़ा सा धनिया आप लें, धनिया जो है ये आप आज खरीद कर थोड़ा सा धन्वंतरि जी के सामने भी रखें और दिवाली के दिन ये लक्ष्मी जी के सामने भी रखा जाएगा, फिर ये धनिया जब दिवाली का पूरा चौकी हटेगी तो उसके बाद आप पौधों में डाल देंगे, और उसमें से फिर जब पूरी सर्दियां आपके घर में नया ताजा आपके गमलों में डाल देंगे तो गमलों में वो धनिए के जो पत्ते हैं वो निकलेंगे पूरी सर्दी भर, और आपके घर में हरियाली ही हरियाली आएगी। साथ ही साथ एक बहुत पुराना विचार माना जाता है कि आप नमक अवश्य लें इस दिन, और इस नमक को इस्तेमाल जरूर करें, भैया दूज तक तो अवश्य ही करें, और आपके घर में भी पोचा भी जो लगे उसमें भी इस नमक का आप इस्तेमाल भैया दूज के बाद कर सकते हैं। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी नेगेटिव एनर्जी जिसको बोला जाता है आपके घर में है, वो सब बाहर हो जाएगी इस दिवाली पर। विजया जी ने जैसे कि दर्शकों को बताया कि नमक और धनिया जरूर लें, क्योंकि नमक हो सके इस्तेमाल करें भैया दूज तक। तो विजया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने कहा धनिया और नमक का विशेष महत्व है, क्या कुछ महत्व है इसके बारे में हम आपसे थोड़ा विस्तार में जानना चाहेंगे। जी देखिए, नमक, देखिए आप कभी गए हैं क्या समुद्र के किनारे, आप जाकर कितने उधर जाके प्रसन्न हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि हमें बड़ी एनर्जी आ गई। नमक में एक सात्विक गुण ये है कि आपके शरीर की, आपके घर की सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको वो सोख लेता है, और ये एक पुराना विधान है कि आज के दिन करा हुआ लिया हुआ नमक अगर घर में रखा जाता है और उसका इस्तेमाल होता है तो वर्ष भर घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, आपके घर में अच्छा अच्छा खाना बनता है, और जो धनिया है धन की ताकि हो आपके घर में बहुत सारी, जो आपके घर में धन आता ही जाए, इसलिए धनिया लिया जाता है आज के दिन, खरीदा जाता है और पूजन में भी उसको रखा जाता है। को आप सभी जानते हैं जिस तरह से विजया जी ने कहा कि धन की वर्षा हो इसलिए आप नमक और धनिया जरूर लें, क्योंकि सभी चाहते हैं कि उनके घर में धन जरूर आए।
बिल्कुल विजय जी, जिस तरह से देखा जाए इस बार मंगल को है धनतेरस, तो कितना मंगलकारी है धनतेरस इस बार का? जी बहुत, देखिए आज मंगलवार को जब धनतेरस हो रहा है तो आप बिल्कुल हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं, बहुत ही मंगलकारी रहेगा। देखिए हर काम शुरू करने के लिए एक मंगल ही तो देखा जाता है कि सब कुछ मंगलमय हो, और बहुत अच्छे अच्छे आप लोग उपाय कर सकते हैं जो कि सात्विक उपाय हैं, जैसे जो आपने गोमती चक्र लिए ना उनको आप हल्दी लगाकर लक्ष्मी जी के चरणों में रख सकते हैं, धनवंतरी जी को चढ़ा सकते हैं आप गोमती चक्र, ताकि आपके घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो। आप दिवाली के बाद उन गोमती चक्र को अपने मंदिर से उठाकर लाल कपड़े में लपेटकर हल्दी लगाकर और अपनी तिजोरी में या अपने गले में रख सकते हैं, इससे आपके पास कभी भी धन की जो है ना कमी नहीं होगी। तो बिल्कुल विजय जी, जिस तरह से आपने बताया कि नमक और धनिया जरूर खरीदे जिससे कि दर्शकों के यहाँ पूरे साल धन आता रहे, तो दर्शकों जिस तरह से कहा और जिस तरह से विजय जी ने कहा कि आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपके पास पूरे साल धन जरूर आता रहेगा, आपके घर में अच्छे काम होते रहेंगे। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बिल्कुल जिस तरह से दर्शकों हम बात कर रहे थे विजय जी से कि क्या कुछ करना चाहिए धनतेरस पे और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए साथ ही विजय जी से ये भी जानते हैं कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम धनतेरस पे ना खरीदें। जी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि हमें धनतेरस पे नहीं भी लेनी चाहिए। है क्या कि धनतेरस के दिन लोग क्या करते हैं कि बर्तन समझ जाते हैं कि बर्तन लेना है, और वो गलती से लोहे की, जैसे कढ़ाई घर में नहीं है तो लोहे की कढ़ाई ले आएंगे। उसके अलावा अल्मोनियम के बर्तन भी हमें अवॉइड करने चाहिए क्योंकि राहु रहता है अल्मोनियम में। हमें कोशिश करनी चाहिए पीतल के या स्टील के भी आप ले सकते हैं, पर हमें लोहे के और अल्मोनियम के बर्तन जो है वो नहीं लेने चाहिए। साथ ही साथ हमें कांच के बर्तन भी आज के दिन नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल जिस तरह से विजय जी ने बताया दर्शकों की कांच के बर्तन इस दिन ना खरीदें, और भी कुछ जानेंगे क्या कुछ खास है और कैसे आपका धनतेरस, इस बार का धनतेरस आपके लिए बहुत ही शुभ हो। बिल्कुल विजय जी, जिस तरह से देखा जाए लोग लगातार क्या कुछ ऐसा करें जिससे कि ये धनतेरस और भी लोगों के लिए शुभ हो। जी देखिए शॉपिंग वगैरह तो आप सब को मैंने बताया क्या लेना चाहिए। इसके अलावा देखिए धनवंतरी जी का जो है आज जन्मदिन, तो आप अगर चाहते हैं कि आपके घर से जो दवाइयां हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके, या कोई ऐसा गरीब है जिसको आप जानते हैं वो काफी समय से बीमार चल रहा है, उसको आप दवाई अपनी तरफ से दिला सकते हैं। आप दान कर सकते हैं दवाइयों का, अगर आप किसी ऐसी संस्था को जानते हैं आप देखेंगे आपके जीवन से जो दवाई है वो हमेशा के लिए हट जाएगी, तो आप ये कर सकते हैं। सेहत को भी जोड़ के देखें, अपने आप को स्वस्थ रखने को भी जोड़ के देखें आज के दिन धनतेरस के दिन। मैंने जिस तरह से सेहत के लिए बात करी, चलिए सेहत के लिए एक सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। जिस तरह से देखा जाए चांदी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, तो इस चीज को सेहत से कैसे जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि अभी चांदी खरीदना जरूरी है धनतेरस पे, जी इस चीज को सेहत से कैसे जोड़ सकते हैं? जी देखिए चांदी में कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का वास है, इसलिए चांदी का एक सिक्का और एक धन धान्य में वृद्धि के लिए लोग चांदी का सिक्का लेकर अपने लॉकर में रखा करते थे। जैसे उनकी हो गए 50 साल के, हो गए 20 साल के, वो 30 सिक्के तो उनके लॉकर में हर दिवाली पर इकट्ठे होते चले गए। इसके अलावा आपको चांदी का महत्व बताऊं तो कभी आपने महादेव को देखा है क्या ध्यान से? उनके मस्तक पे रहते हैं चंद्रमा। आपका जो चंद्रमा होता है वो आपके मन का कारक होता है, और जब मन उदास होता है तो सबसे पहले चंद्रमा जिसका खराब होता है उसका मन उदास होता है, और आधी बीमारियां आज के युग में केवल मन खराब होने की वजह से, ये जो शुगर बीपी की जो प्रॉब्लम चल रही है सब मन की वजह से है, क्योंकि लोग अंदर से डिप्रेस होते जा रहे हैं इसीलिए ये बीमारियां। अगर मन खुश है, चंद्रमा अच्छा है, तो हो ही नहीं सकता कि आपको कोई बीमारी हो। विजय जी जिस तरह से देखा जाए
दिए जलाते हैं धनतेरस पे, तो कितने दिए जलाने चाहिए और वो कहाँ कहाँ जलाए जाएं वो दिए? बहुत सुंदर सवाल आपका। देखिए 13 दिए जलाने का जो है वो प्रथा है हमारे हिंदू समाज में। धनतेरस के दिन से ही 5 दिनों के लिए दिए जलने हमारे शुरू हो जाते हैं। पहला दिया आप रखेंगे धन्वंतरी जी के सामने, फिर लक्ष्मी जी के सामने, फिर गणेश जी के सामने, फिर आप रखेंगे विष्णु जी के सामने दिया। 2 दिए रखेंगे आप दरवाजे पर, 1 रखेंगे आप छत पर, 1 अपने घर के आगे, 1 अपने घर के पीछे। इसके अलावा आप तुलसी पर, क्योंकि कार्तिक मास है ये, कार्तिक में तुलसी पे दिया आपको रखना चाहिए। पहले के जमाने में गौ हर कोई पाला करता था, तो गौ के पास भी एक दिया रखा जाता था। तो आजकल गौ तो मिलती नहीं है घरों में, लोग ऊपर नीचे रहते हैं, मंजिलों पे रहते हैं, बहु मंजिले इमारतें होती हैं। तो आप गौ की प्रतिमा के आगे भी एक दिया अवश्य रखें, या कहीं गौशाला में जाकर एक दिया अवश्य जला कर आए। एक रसोई में माता अन्नपूर्णा के नाम के भी दिया अवश्य लगाए। इस तरीके से आप 13 दिए ये जलाएंगे तो आपके जीवन में जो भी धन धान्य है वो 13 गुना बढ़कर अगले वर्ष तक आपके पास आएगा। और विजय जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से कहा जाता है कि रसोई साफ रहना और क्या पक रहा है, रसोई जूठी नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर कुछ बताइए कि कितना जरूरी है धनतेरस के दिन की रसोई साफ हो और वहाँ दिया जल रहा हो, क्योंकि रसोई ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, सारी चीजें वहीं से ही है। देखिए जो रसोई रहती है हमारी, आज काफी दिनों से लोग सफाइयां करना तो शुरू कर ही देते हैं, पर आज से हमारे धर्म में कढ़ाई चढ़ना शुरू हो जाता है। आज कोशिश करें आप थोड़े सा पकवान जरूर बनाएं अपने घर में, कढ़ाई चढ़ाकर और साफ सुथरे ढंग कर नहा धो के उस पकवान को अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर अवश्य खाएं कि पूरे 5 दिन आपके घर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पकवान आप 5, ये देखिए एक दिन का त्योहार नहीं है दिवाली, 5 पर्व कहा जाता है ये, आज से इसकी शुरुआत हो रही है। आपके घर में जो मिठाई भी आए आप ये कोशिश करें उस पर वर्क ना लगा हो, बिना वर्क की मिठाई, शुद्धता का ध्यान अपनी रसोई में। अब तक तो आप लोग सब अपनी रसोइयां साफ कर लेते हैं, पहले के जमाने में लीप पोत करके साफ की जाती थी, आजकल वैसे साफ की जाती है, तो ये कर सकते हैं। और खरीदारी में भी मैं ये कहना चाहूंगी अपनी पत्नी को अवश्य कुछ दिलाएं, महिलाओं के लिए, घर की बेटी के लिए अवश्य कुछ ना कुछ खरीदारी करें, कपड़े गहने, इससे क्या माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और आपके घर में हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है। तो बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह से विजय जी ने हमें बताया कि आप अपने घर में जो लक्ष्मी आपकी बहने हैं या बेटियां है उनको जरूर कुछ ना कुछ दिलाएं क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल भाई, साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि धनतेरस की पूजा का क्या कुछ मुहूर्त है, किस समय हमारे दर्शक पूजा कर सकते हैं धनतेरस की, इसके बारे में जानना। आज के जो दिन है वो धनतेरस की पूजा का मुहूर्त 11:02 से लेके 12:28 तक का है। इस समय में आप सुबह के समय धनतेरस की पूजा करें और शाम को जो प्रदोष काल है, जब अंधेरा सा होने लग जाता है और सूरज डूब जाता है, उस समय दीप दान करें यमराज जी को, ताकि वो आपके घर से रहें दूर और आपसे प्रसन्न रहें। जी ने बताया कि क्या कुछ खास ध्यान रखना चाहिए, साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी विजय जी, 5 दिन का त्योहार है तो 5 दिन में धनतेरस से शुरुआत हो रही है, और क्या कुछ खास करना चाहिए धनतेरस पे, और इस साल क्या कुछ खास करें दर्शक हमारे? जी देखिए, इस साल क्या है कि कई तरह की राशियों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े हैं, जैसे वृश्चिक राशि पे भी शनि आ चुके हैं और जो तुला राशि है उसमें भी शुक्र है। तो आप लोग खरीदारी चांदी की ज्यादा करें इस वर्ष, तो आपके लिए जो पूरा साल है वो बहुत ही सुंदर और मधुर। तो बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह से विजय जी ने हमें बताया, और चलिए विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया और हमारे दर्शकों को इतनी सारी बातें बताई जिससे उनका धनतेरस अच्छा हो और शुभ हो। तो दोस्तों आप बिल्कुल लगातार बने रहिए चैनल 1 के साथ। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।